तो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं वेज सैंडविच। देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं ये। तो इन्हें बनाना बहुत ही आसान है। घर पर जब भी कोई पार्टी वगैरह हो तो हम इन्हें बना सकते हैं। बच्चों के ऑलमोस्ट फेवरेट होते हैं, तो स्टार्टर के तौर पे हम इनको बना सकते हैं। एक लाइट सा स्नैक है ये, तो इन्हें हम पहले ही तैयार करके भी रख सकते हैं। तो मैं आज आपको अभी बताती हूँ ये कैसे बनाने हैं। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, वेज सैंडविच बनाने के लिए सबसे पहले हमें ये पत्ता गोभी है, पत्ता गोभी को कद्दूकस कर लेना है। ये खीरा है वो भी कद्दूकस कर लेना है। ये छोटे छोटे बारीक अनियन भी बिल्कुल बारीक कद्दूकस कर लेने हैं आपको। शिमला मिर्च भी कद्दूकस कर लेनी है और गाजर, इन सबको कद्दूकस कर लेना है। और इनका जितना भी पानी है, एक्स्ट्रा जो मॉइस्चर है, वो हमें स्क्वीज कर लेना, मतलब उनको निचोड़ लेना है। तो मैंने ये पहले ही सारी चीजें निचोड़ कर इसके अंदर रख रखी है। तो उसके बाद हम एक बाउल लेंगे बड़ा। उस बाउल के अंदर हम सबसे पहले डालेंगे पत्ता गोभी, उसके बाद हम डालेंगे खीरा, गाजर, शिमला मिर्च, और अनियन। अनियन अगर आपको सैंडविच ज्यादा दिन स्टोर करके रखने हैं तो अनियन मत डालिए, लेकिन अगर आपको उसी टाइम खाने हैं तो आप अनियन डाल सकते हैं। तो मैं ये अनियन भी डाल रही हूं। इन सबको डालने के बाद आपको इसके अंदर क्रीम मिक्स करनी है, या क्रीम मिक्स करनी है क्योंकि हम वेज सैंडविच बना रहे हैं, क्रीम सैंडविच भी बोलते हैं लोग इसको। तो क्रीम बनाने के लिए या तो आप अमूल की जो फ्रेश क्रीम आती है लो फैट, वो वाली क्रीम ले लीजिए, या फिर आप घर पर जो मलाई होती है उसकी क्रीम तैयार कर लीजिए। कई लोग इसके अंदर मलाई भी मिक्स कर देते हैं, लेकिन अगर आपको बिल्कुल मार्केट जैसा टेस्ट चाहिए तो मैं अभी आपको बता रही हूँ कि फ्रेश क्रीम हम कैसे तैयार कर सकते हैं, जो बिल्कुल मार्केट जैसी होती है। तो जो ये मलाई है, इस मलाई को हमें ले लेना है और एक दूसरा बर्तन ले लेना है, हमें उसके ऊपर एक छलनी रख लेनी है। उसके ऊपर जो हमारी घर की निकली हुई मलाई होती है वो इसके अंदर हम डालेंगे। फ्रेश क्रीम तैयार करके आप रख सकते हो, ये सब्जियों के ऊपर डालने के काम आते, सीधी मलाई नहीं डालनी चाहिए। तो इसको ऐसे हल्का हल्का हमें इसको स्ट्रेन कर लेना है, मलाई को बहुत ज्यादा टाइट प्रेस नहीं करना। तो इससे क्या होएगा, जो मलाई के अंदर मक्खन घी होता है वो हम एक दूसरी कटोरी में निकाल लेंगे। ये बटर वगैरह के यूज हो जाएगा, घी निकालने के लिए यूज हो जाएगा, लेकिन जब हम वेज सैंडविच बनाते हैं तो इसके अंदर हम ये वाला पार्ट यूज नहीं करते। तो आपको ऐसे तैयार कर लेना है सारा का सारा क्रीम। तो इसको देखिए मैं एक अलग कटोरी में निकालती जाऊंगी, जो थिक पार्ट है इसका, और दोबारा से क्रीम ले लूंगी मैं इसके अंदर, मलाई इसके अंदर और डाल दूंगी, और इसको फिर दोबारा से हम ऐसे ही कर लेंगे। हल्के हाथों से करना है, बहुत ज्यादा तेज हाथों से नहीं करना। तो देखिए ये ऊपर हमारा जो मलाई का, जैसे इसमें से हमने 25% फैट तो नीचे ले लिया, लेकिन जो 75% फैट है जिससे हम घी निकालते हैं, जिससे प्योर घी निकलता है, ये वाला मैं एक अलग इसमें निकालूंगी। ये हम घी वगैरह बनाने के लिए यूज कर लेंगे, ये हम सैंडविच वगैरह बनाने के लिए यूज नहीं करते। और इसको नीचे वाला भी इसको हम ऐसे ही यूज कर लेंगे। तो आप भी ऐसे ही कर लीजिए। तो देखिए ये हमारी वो वाली क्रीम तैयार होगी जो हम सैलेड बनाने के लिए यूज करते हैं, या सैंडविचेस बनाने के लिए जो मार्केट वाले यूज करते हैं वो इस तरीके से यूज करते हैं। तो आप घर पर ऐसे क्रीम तैयार कर सकते हैं, या फिर हम कोई भी क्रीमी सब्जी बनाते हैं उसके ऊपर ड्रेसिंग करते हैं तो ये वाली क्रीम यूज होती है। तो ऐसा करने के बाद जो ये हमने अब क्रीम तैयार करी है, हमारी अमूल जैसी क्रीम अब घर पर ही तैयार हो गई है, तो इसको इसके अंदर हम डाल देंगे 2-3 चम्मच, और इसके अंदर अब हम डालेंगे थोड़ा सा नमक।
थोड़ी सी काली मिर्च और इन सबको मिक्स कर लेंगे अच्छे से। तो देखिए ये हमारी वेजिटेबल जो सैंडविच बनाने हैं हमें उसके अंदर की फिलिंग हमारी रेडी हो गई है। क्रीम आप थोड़ी सी और डाल लीजिए, कभी कम लग रही है मुझे। तो इसको हम अब एक साइड रख लेते हैं अपनी फिलिंग को। तो उसके बाद हमें ब्रेड ले लेने हैं। ये मैंने जंबो साइज ब्रेड लिए, जो सैंडविच आते हैं मार्केट वाले बने बनाए बड़े साइज वाले, वो वाले ब्रेड लिए। आप नॉर्मल ब्रेड भी ले सकते हैं। तो इनके मैंने चारों तरफ से जो किनारे हैं ब्राउन पार्ट, इनका नाइफ की सहायता से अलग कर दिया है। और जो ये ब्राउन पार्ट है ये भी मैं कभी भी फेंकती नहीं हूँ, इनको किसी दूसरी डिशेज में मैं यूज कर लेती हूँ। देखिए मेरे ये पहले के भी और इसके भी जो मैंने ब्राउन पार्ट था वो एक अपनी बॉक्स में स्टोर करके रख लेती हूँ मैं एयर टाइट में। तो जब ऐसा हो जाए उसके बाद हमें जो हमने अपनी ये ड्रेसिंग तैयार करी थी वो इसके ऊपर हम लगा लेंगे। सॉरी ड्रेस के ऊपर ऐसी। तो ये एक ब्रेड मैंने ऐसे तैयार कर लिया है। अब तो आपको जितने भी ऐसे सैंडविच तैयार करने हैं आप ऐसे ही तैयार कर लीजिए। तो अब इन सैंडविचेस को हम कट कर लेते हैं। तो हम ऐसे एक सैंडविच लेंगे और इसको ऐसे बीच में से कट कर देंगे। और ये इसके ऊपर ऐसे कर देंगे प्रेस। देखिए ऐसे ऐसे ही हर एक सैंडविच हम तैयार कर लेंगे अपने। जैसे मैंने एक ये तैयार कर दिया है, अब दूसरे वाला सैंडविच भी लेंगे हम ऐसे ही और उसको भी ऐसे ही ऐसे बीच में से कट कर लेंगे उसको भी। और उसको एक दूसरे के ऊपर ऐसे कर देंगे। ऐसे तैयार करके हम सारे के सारे सैंडविच अपने रख लेंगे। जितने भी सैंडविच हैं हम ऐसे ही रेडी कर लेंगे। देखिए